नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हुआ है कि हमारे फिल्म का रिलीजिंग डेट 16 फरवरी को था, जो किसी कारण की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, हमारा डेट आगे की तरफ फॉरवर्ड हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। क्या कारण है सर, क्या कहना चाहते हैं? सर, टेक्निकली फॉल्ट है जो हम बता नहीं सकते अभी, टेक्निकल तो टेक्निकल होता है, इसीलिए हमारा डेट आगे बढ़ा है और हम जल्दी ही बताएंगे कि अगला डेट क्या है। आप अभिनेता के तौर पर लॉन्च शुरू क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से, मतलब इतनी कम उम्र में आपको लॉन्च किया जा रहा है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस फिल्म की और पापा का सपोर्ट, ये बहुत बड़ी बात है, तो क्या कहना चाहेंगे पापा के बारे में, डायरेक्टर के बारे में और खुद के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील रियली प्राउड टू बी एन एक्टर, लाइक अ मेन लीड एक्टर इन माई फर्स्ट फिल्म ओनली। एंड इट्स नॉट दैट माई डैड, इट्स माई डैड सपोर्ट, इट्स लाइक दे वर ऑल्सो ऑडिशंस, सम पीपल, सम ऑफ द चाइल्ड केम एंड गेव देयर ऑडिशन, बट दे बट डायरेक्टर सेड दैट वी शुड लाइक से पार्थ ऑल्सो टू एक्ट वन, सो ही लाइक माई एक्टिंग एंड सेड लाइक वी शुड टेक हिम फॉर द एक्टर। यही कहूँगा कि पार्ट को लेकर नहीं, हमारी एक अपनी सोच थी, जब कोई फिल्म बनाता है तो उसमें आर्टिस्ट से कभी सलाह नहीं ली जाती कि हम किस तरीके की फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की एक सोच होती है, उसको हमने उतारा है अच्छे से और मूवी हिट होगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हमने पार्ट को इसलिए नहीं लिया कि ये प्रोड्यूसर के लड़के हैं, पार्ट इस किरदार के लायक थे इसीलिए हम लोगों ने पार्ट को लिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रोड्यूसर के बेटे हैं तो हमने लॉन्च किया, जो किरदार हमें चाहिए था हमने ऑडिशन लिया, हमने देखा कि ये उस लायक थे, फिर हम लोगों ने पार्ट इसमें लॉन्च किया एज ए क्रीना। और पार्ट के अलावा सर, सवाल कहीं से सेंटर में भी सर, और पार्ट के अलावा जितने भी कलाकार हैं सब जाने पहचाने चेहरे हैं फिल्म में, तो उनके अंदर देखिए कितना ज़्यादा आसान है, मुश्किल था उनको सहमति देना इस फिल्म के लिए? सर, ज़्यादा आसान तो नहीं था, लेकिन जब किरदार अच्छा होता है या हमें काम आता है तो सब लोगों ने काम किया और सब लोगों ने सहमति जताई कि हाँ हम काम करेंगे, क्योंकि सबका जो किरदार था, एक छोटा भी किरदार था वो पावरफुल था, इसीलिए उन्होंने कभी ना नहीं बोला और सब लोगों ने अच्छे से काम किया, जितने बड़े एक्टर थे। फिल्म की कहानी हमारी जंगली लोगों के ऊपर है सर, काफ़ी हम अलग तरह का कुछ सब्जेक्ट कहानी, एक तरीका से आपको जिस तरीके से महाभारत में न्याय और अन्याय के खिलाफ जो आपने हमेशा लड़ाई देखी है कि एक सच्चाई की जीत होती है, तो वही हमने दिखाया है कि पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव को हारना ही पड़ता है, सत्य असत्य की लड़ाई जी, इसमें न्याय और अन्याय की लड़ाई दिखाई है हमने, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और सभी को पसंद आएगी, हर वर्ग इसको पसंद करेगा। Basically, it's the main lead. I'm not the son of like a king or what. I'm a simple guy. One of guy in the village. Like, I'm not his son, but he took me from a place and बड़ा किया मुझे कि वो पाला पोसा मुझे और ऐसे। One of my trainer came like called Deepak Lama. He's staying here near only. He came and he taught me, you know, talwarbazi sikhai or some martial arts and boxing. हम उनके लिए हमेशा दुआ करेंगे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, कि वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और हम जब जब मूवी देखेंगे हम उनको याद करेंगे हमेशा। बहुत बहुत अच्छा, एक तरीका से हम वन वीक के अंदर ही एक फ्रेंड सर्कल हो गया था हमारा, हम एक दूसरे को जिस तरीके से फ्रेंड एक कोई भी समस्या होती है उसको बैठ के सुलझाते थे, तो एक फ्रेंड टाइप का हमारा दोनों। देखिए, इंदर जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि वो जितने अच्छे कलाकार थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे, मेरे साथ काम करते समय सेट पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किया है तो उन्होंने ही किया, सपोर्ट तो सबने किया है लेकिन इंदर जी को ज़्यादा ही सपोर्ट किए, जो भी बोला गया जैसा ही बोला गया उन्होंने उस किरदार को किया। क्लाइमेक्स इंदर कुमार जी के हाथ से लिया गया था जी, तो भी का जो बात है। यस,
आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी, ज्यादा इंतजार बहुत जल्दी, उनसे ज्यादा हमें इंतजार है कि हम जल्दी से दर्शक को पहुंचाए, क्योंकि हमने काफी पब्लिसिटी कर दी है, गर्म कर दी पिक्चर को, तो जल्दी ही हम लोग डेट डिसाइड करके आगे आप लोगों को बता देंगे कि अगला क्या डेट होने वाला है। हमें बड़ी तैयारी के साथ जो भी होगी, बड़ी पब्लिसिटी और बड़ी कंपनी से रिलीज होगी। अरविंदर जी, क्या कुछ कारण रहा कि रिलीजिंग डेट पीछे लेना पड़ा? क्या पैडमैन इसमें आड़े आ रहा था? नहीं, देखिए डायरेक्टर साहब ने अभी, श्यामल जी ने अभी आपको बताया कि हमारा टेक्निकल फॉल्ट था, जैसे यूको वगैरह में हम जब हार्ड डिस्क को लोड करने गए तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से हमारा डिले है। क्या क्या टेक्निकली अगर बातें करें टेक्निक की, तो बहुत कुछ इसमें VFX यूज किया गया है, और उसके चलते कुछ कारण रहा डिले करने का? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पिक्चर फुल कंप्लीट हो चुकी थी, कुछ टेक्निकली फिल्म में काफी नई टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, क्या चीज़? जी, जो अभी नई टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आई है नई फिल्मों को लेके, वो आपको देखने के बाद से पता चलेगा कि हमने नई देखिए सारी चीजें हम बता देंगे तो हमारी मूवी में आप बता देंगे, बस यही है कि कुछ अलग हटके है, आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। तभी तो देखने जाएगी सर, अगर ऑडियंस उत्सुक होगी तभी तो देखने जाएगी, हम सब कुछ बता देंगे, बस यही है कि हमने जो पोस्टर में दिखाया है इससे लगता है कि हमने कुछ नया चुना हुआ है, तो बस सारी चीजें अभी नहीं बताएंगे, कुछ चीजें रिलीज के बाद भी ऑडियंस देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ी मूवी की वजह से प्रॉब्लम हुई, सम टेक्निकल प्रॉब्लम लाइक इन UFO, लाइक जब हार्ड डिस्क वो हो रही थी तो कुछ प्रॉब्लम आई थी, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था। हाँ पहले थोड़ी हुई थी ऐसे कि लाइक टाइगर जिंदा की वजह से, बट इस बार ऐसा कुछ था नहीं कि बड़ी मूवी आ रही है इसलिए, बस थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वरना मूवी फुल कंप्लीट हो चुकी है। सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि थिएटर नहीं मिल रहा है इसलिए आप लोगों ने सूत्र तो कुछ भी हो सकता है सूत्र कुछ भी बोल सकते हैं, सूत्र जो है वो बिल्कुल जल्दी हमें लगता है कि मार्च तक हमारी फिल्म आ जाएगी सिनेमाघरों में, लेकिन डेट क्लियर डेट और हम कंपनी अभी अनाउंस नहीं करेंगे सर। फर्स्ट वीक इट वॉज लाइक रियली हार्ड फॉर मी टू लाइक एक्ट इन फ्रंट ऑफ दम, आई फील रियली यू नो नर्वस लाइक इफ दे विल स्कोल्ड मी इफ आई एम नॉट डूइंग, बट दे रियली हेल्प मी ऑन द शूट लाइक हाउ टू गिव द एक्सप्रेशन एंड हाउ टू यू नो वॉक एंड इन एक्शन सीन्स मोस्टली शहबाज खान जी हेल्प मी लाइक हाउ यू नीड टू लाइक किक द सम द गाय इन फ्रंट ऑफ यू एंड हाउ यू नीड टू गिव द एक्सप्रेशन। पहले का इंटरव्यू देखे और आपका इंटरव्यू देखे तो काफी चेंजेस आए तुम्हारे में, कहाँ जाए कॉन्फिडेंस कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट लाइक एवरीवन फील्स नर्वस नाउ, धीरे धीरे आदत हो गई, मतलब एक्टिंग में भी ऐसा ही था, धीरे 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 आगे इंप्रूव हुआ। एक्टिंग की बात करें तो क्या कुछ चैलेंजिंग रहा है, या नहीं कर पा रहे थे या करवाया गया या कुछ ऐसा सीन? रोने वाला सीन था एक, मतलब रोना आता नहीं था, हंसने के टाइम पे रोना था, रोने के टाइम पे हंसना आता था, और उसमें दिक्कत हुई फिर ज़्यादा, मतलब एक्शन सीन में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि वो जंगलों वाली एरिया में, इतनी रफ एरिया में ऐसे विदाउट स्लीपर्स भागना पड़ता था। एक सीन था जो पार्थ को सबसे ज़्यादा कठिन लगा, वो कि एक कांटों के और जंगलों के बीच से भागना था, दौड़ना था और कंकड़ियाँ थी तो दौड़ना था इसको। अब ये पहले कभी इतना हार्ड वर्क किया नहीं, सूज भी इसने अपने माँ के हाथ से या बाप के हाथ से पहने, तो वो फर्स्ट टाइम था कि इसको नंगा भागना है, वो भी कांटों वाली जगह में, तो दौड़ने में ये सभी को प्रॉब्लम कर रहा था। सर ने कहा कि पार्थ भाई सीन दो, तो पार्थ ने सर से कहा कि अंकल पहले आप सूच निकाल के भागिए, जब मैं ये सीन करूँगा। सर ने कहा भाई मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं आर्टिस्ट थोड़े ही हूँ, ये तो आपका काम है, आपको भागना पड़ेगा। फिर नहीं मैं नहीं कर सकता ऐसे, फिर हमारे शिव कुमार गावड़ा जी DOP थे, उन्होंने पार्थ से बड़ी जमती थी कि पार्थ को मैं समझाता हूँ भाई, पार्थ को समझाया, पार्थ ने कहा अंकल पहले आप भागो, आप दौड़ो नंगे पैर, जब दौड़ता हूँ मैं करीबन ऐसा 300-400 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ था, देख रहा था ये नौटंकी कर रहा है। फिर मेरे पास गए कि पार्थ तो सीन ही नहीं करेगा, शाम हो जाएगी अभी, मैं गया, मुझसे भी पार्थ ने वही कहा कि पापा पहले आप
नंगे पैर दौड़ो तो मैं भी दौड़ू। मैं ठीक है भाई, मैंने फिर अपने सूज वगैरह निकाले, मैंने उसमें रनिंग करी, दौड़ा मैं, फिर पार्थ ने वो सीन दिया। तो ये इसके लिए सबसे टफ सीन वही था। तो ये मान सकते हैं कि मतलब स्टारडम चढ़ गया है पार्थ के ऊपर, क्योंकि अब जैसे स्टार नखरे करते हैं वैसे ये भी नखरे कर रहा था। नहीं, ये स्टार बनने के पहले ही नखरे था। स्टार बनने से पहले ही इसे पता चलता था कि आने वाला अपकमिंग स्टार है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।